नमस्कार, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एशिया न्यूज इंडिया पर। भारत में जल्दी लॉन्च होने वाला है चिप वाला पासपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें, टाटा कंस्ट्रक्शन सर्विस चिप आधारित पासपोर्ट लॉन्च करने जा रही है। भारत में चिप वाले पासपोर्ट पर तेजी से काम हो रहा है। चूंकि इस पासपोर्ट में चिप का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसे ई पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। इसका पूरा कामकाज इलेक्ट्रॉनिक है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय की मदद से TCS एक कमांड और कंट्रोल सेंटर खोलने जा रहा है, जिसका काम ई पासपोर्ट से ही जुड़ा होगा। इसीलिए इसके साथ कई TCS व डेटा सेंटर भी लगने जा रहे हैं। टाटा की इस कंपनी को सरकार पासपोर्ट प्रोजेक्ट का कनेक्ट भी मिल चुका है। इस साल के शुरू में एक डील के तहत TCS 10 साल के प्रोजेक्ट के लिए 6,000 करोड़ रुपए दे चुकी है। इस चिप में आपकी हर तरह की जानकारी मौजूद रहती है, वैसे ही जानकारी ई पासपोर्ट के चिप में नहीं होगी। नाम, जन्मतिथि, पता आदि। इसके अलावा आप कई देश में गए, वहाँ का वीजा मिला और कितने साल के लिए वैध रहा, इमिग्रेशन कहाँ और किस दफ्तर में हुई आदि, ये सब जानकारी आपको पासपोर्ट के पेपर पर प्रिंट किया जाएगा। अब ये सभी जानकारी ई पासपोर्ट के चिप में स्टोर हो जाएगी। अगर ई पासपोर्ट के चिप से कोई छेड़छाड़ भी करता है तो वो तुरंत डिसेबल हो जाएगा, जो कि दोबारा आपको उस पासपोर्ट को बनाना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि ई पासपोर्ट क्या है और कैसे काम करता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसा पासपोर्ट जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से काम करेगा उसे ई पासपोर्ट कहा जाएगा। भारत का ई पासपोर्ट भी कुछ ऐसा ही होगा। ई पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी जो करीब मोबाइल के सिम के साइज तक होगी। फिलहाल हमारा पासपोर्ट बैंक के पासबुक की तरह दिखता है, जिस पर वीजा और इमिग्रेशन की मुहर लगी होती है। ई पासपोर्ट भी इसी रेगुलर पासपोर्ट की तरह होगा, लेकिन उसमें एक चिप लगी होगी। आप इस तरह की चिप अपने ड्राइविंग लाइसेंस भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज इंडिया। धन्यवाद।